ये यहाँ क्या काम हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ। मैं 1972 से अतरौली मार्केट के अंदर हूँ। 2004 का एमपी का इलेक्शन अलीगढ़ से लड़ा था। अच्छा, लोकसभा चुनाव लड़े हुए हैं आप? हाँ जी। अच्छा, किस पार्टी से? आजादी निर्दलीय निर्दलीय लड़े थे। हाँ, एमएलए की लड़ लिया हूँ और नगर पालिका लड़के सब चुनाव लड़े हैं। कुछ नहीं है, सब यहाँ का ढोल पसा कटोरा बंद है, सब कोई विकास नहीं है कुछ भी। अच्छा। सब जगह दलाली है। मैं खुद 6 महीने से मेरी लाइट सही नहीं है। हर आदमी को 100 रुपए चाहिए नशेनी पे चढ़ने के लिए। अच्छा। रिश्वत का यहाँ बोलबाला है। मुझे 1990 से ले आज तक कहीं किसी भी कोर्ट कचहरी के अंदर, चाहे DM हो, SP हो, कहीं हो, लखनऊ से लेकर अतरौली तक, कहीं कोई समाधान नहीं मिला। सब अधिकारी मोदी योगी के चक्कर में डरे पड़े हैं। अच्छा। एक क्यों डरते हैं? योगी जी ने हवा बना रखा है। क्या हुआ? सबरे अधिकारी डरे पड़े हैं कहीं हमारी नौकरी चल जाए। उनकी पूजा कर रहे हैं वो, उनके अपनी सीट बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। योगी जी का इतना डर है, बुटजोलर मेरा मकान तोड़वा देना, मेरा मकान तोड़ा मुँह पे ED भेज देना। मेरा कहने का मतलब था कि 300-400 आदमी बंद कर दे, इलेक्शन की जरूरत नहीं थी, करोड़ों रुपया बचता, क्यों इलेक्शन करवा रहे हैं? हर किसी का ED भेज देना, 300-400 आदमी बंद करते थे, इलेक्शन क्यों करवाना पड़ता? ED आई है यहाँ किसी पास? क्या मेरे पास आए? मैं तो देखता रहता हूँ, 24 घंटे चौराहे पे खड़ा था, जब मर्जी मुझे अरेस्ट कर ले। क्यों अरेस्ट कर ले आपको? मुझे तो करे ना, मेरा आरोप लगा देना, मैं भ्रष्ट आदमी हूँ। अच्छा। क्यों ये सब ईमानदार है? ये केजरीवाल को हमारे नेता को अंदर भेज दिया है। अच्छा। क्या BJP गंगा की धुली हुई है? जो ऐसा नहीं है, जो BJP गंगा धुला हुआ है, मुझे कोई खरीद नहीं सकता। लोग वह यहाँ के क्षेत्र के बदनाम करते हैं, सदाई तुम पैसे लेके बैठ जाते हो, पैसे लेके बैठ जाते हो। मैं तो ये कहता हूँ, ये बड़े बड़े नेता मेरे ही पैसा लेके भाग गए हैं। कौन पैसा लेके भाग गया? जितने नेता हैं इन पे प्रूफ दिखाऊं इसके लिए? ये कहाँ से इन्होंने कोठी बैठ के बनाई है? जैसे ये बता रहे भ्रष्टाचार बड़ा ज्यादा है यहाँ पर, ऐसा स्थानीय मुद्दे जी, क्या ये आपका? मेरा केहरी सिंह लोधी। क्या करते हैं लोधी? मोटा क्षेत्र से हूँ। क्या करते हैं? व्यापार है मेरा, कार्य जी। सबसे पहले यहाँ कार्य क्षेत्र बाबूजी कल्याण सिंह की जन्मस्थली कर्मस्थली है, उनको प्रणाम करता हूँ। आज का चुनाव मेरे विचार से विकास के मुद्दे पर होना चाहिए और बेरोजगारी के मुद्दे पर होना चाहिए। आज के युवा अधिकांश बेरोजगार हैं, इसमें होना चाहिए। माननीय भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार लिखा था, मेरे पास प्रूफ है, कि मुफ्त खोरी बंद हो। मुफ्त में देने से मानव को कामचोर और देश को कमजोर बनाता है। अगर आपको मुफ्त में कुछ देना है तो शिक्षा दें या स्वास्थ्य चिकित्सा दें, जिससे के बचेगा नहीं, राशन वासन कुछ नहीं। शिक्षा देने से क्या होगा? आज कक्षा 1 की किताब 200 रुपये की आ रही है, वही किताब हमारे समय में 5 रुपये की आती थी, हमने पढ़ ली 2.5 रुपये की बेच दी, उसने पढ़ ली 1.25 रुपये की बेच दी, तो शिक्षा का बहुत कुछ खर्चा बचेगा। और आज जो बातें हो रही हैं विकास के नाम पे, बेरोजगार के नाम पे, जो मैं कह रहा हूँ, दूसरा एक हवा उड़ा देते हैं। हवा ये चुनाव धर्म से अलग होना चाहिए। मंदिर बना दीजिए।